जयकारा शेरोवाली दा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अभी अभी कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम, तो गाइज जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया फिर फ़ोन आ गया था, तो बस फ़ोन में थोड़ा सा बिजी हो गई, तो फिर मैं नहीं कुछ भी मतलब आप लोगों से बात कर पाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पूजा का भी लेट हो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ मैंने कैसे क्या किया है। तो मैंने यहाँ पर कलश वलस रखा और नारियल जो भी रखते हैं और आम के पत्तों के ऊपर रखा जाता है ये, तो वो सब मैंने कर दिया है। पान के पत्ते, माता रानी का श्रृंगार और भी सारी तैयारियां, दीपक हवन के लिए सब कुछ, मतलब जो भी पूजा में लगता है वो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ना थोड़ा टाइम इसमें लगा है, क्योंकि माता रानी को मैंने यहाँ पे देखिए दीवार में लगाया है, चुनर उड़ाई है और जो उनका मतलब सामान था ना सुहाग का, और ज्वेलरी भी मंगवाई थी मैंने, लहंगा है माता रानी का, वो सारी चीज़ें लगाने में मुझे सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस उसी में थी मैं बिज़ी, मैंने व्लॉग भी नहीं उसमें उस समय का बनाया है। उसके बाद अब यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जो भी है और हवन भी मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया है। तो बस अब पूजा ही रह गई है, बाकी सारी तैयारियाँ यहाँ पर कर चुकी हूँ और मैं लास्ट में अभी आपको दिखाऊंगी कि माता रानी कैसी लग रही हैं। और इस बार मैंने बहुत, और इस बार ना मैंने माता रानी का चेहरा मंगवाया है, मतलब जो मुखड़ा आता है ना उनका बना हुआ वो मंगवाया है, और लहंगा है और चुनरी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी माता रानी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी आपको पूजा कर लूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगी मैं। तो अभी मैं यहाँ पे तिलक वगैरह लगा रही हूँ, हल्दी कुमकुम और चावल से जो है सबसे पहले ना कलश पे यहाँ पे पूजा, क्योंकि हमने कलश यहाँ पे कलश स्थापना करी है, तो बस उसी का ही यहाँ पे पूजा हो रही है। उसके बाद फिर माता रानी को तिलक वगैरह जो भी है ये सब चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान भी मैंने मंगवाया था, जिसमें सामान आता है चूड़ी बिंदी वगैरह ये सब चीज़ें मंगवा के रखा है। ये जो पैकेट में आता ना ये वाला मंगवाया है, वैसे भी चूड़ी वैसे सामान भी मंगवा लेते हैं, लेकिन स्माइली की वजह से ना ये खुद लगा लेती है, तो मैंने इसीलिए पैकेट वाला मंगवाया है कि रख दिया है यहाँ पे। और बाकी मैंने माता रानी को ज्वेलरी सिंदूर ये सब तो चढ़ाया ही है। तो यहाँ पर अब हम लोग हवन कर लेते हैं, तो हवन के लिए भी यहाँ पे जला दिया है मैंने हवन। और ये देखो स्माइली को भी बड़ा शौक है, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी से आई ट्यूशन से और आके अपने आप ही खुद से नहा लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी तो इसने जल्दी जल्दी खुद ही से नहा लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको कपड़े वपड़े पहनाए। तो आज स्माइली बोल रही थी कि मुझे तैयार किया है ना, मुझे ना माता रानी की तरह लहंगा वहंगा ऐसे पहना दो। तो मैंने फिर उसको ना स्कर्ट और ऊपर ना लहंगे वाला वो टॉप रहता है वो पहनाया है ऊपर, और उसके बाद दुपट्टा करके मतलब साड़ी की तरह कर दिया है, तो वही पहन के बैठी है। अच्छा लग रहा था वो मैंने जिस तरह से पिनअप किया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाया है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, ना वो खड़ी हुई है इस बीच में। तो माता रानी की थोड़ी सी झलक आप लोगों ने देख ली है, बाकी अब देखिए आप लोग अभी यहाँ पर आरती हो रही है हवन के बाद, और आप लोग भी हमारे साथ जो है माता रानी की आरती कर लीजिए। और ये 9 दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब माता रानी की पूजा आरती वगैरह होती है, और इस बार की माता रानी वाकई में बहुत सुंदर है। करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने, दुखियों के दुख डेने वारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं को ना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरे ही गुड़ गाए भारती। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा है ना वो समाप्त हो चुकी है हवन आरती के बाद, और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ माता रानी पास से। वैसे तो आप लोगों ने अभी आरती में देखी ही है, और इस बार जो माता रानी का मुखड़ा है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और जो मैंने तैयार किया है ना उनको ज्वेलरी वगैरह, चुनर लहंगा, मतलब सारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, येलो लहंगा के साथ उनकी चुनरी ज्वेलरी प्लस बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ऐसा लग रहा है ना कि बस देखते ही रहो माता रानी को, निहारते ही रहो, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। आप लोगों को भी बताना मुझे कॉमेंट करके। हेलो, तो फ्रेंड्स अभी पूजा वूजा करने के बाद और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, और थोड़ा जल्दी बैठी क्योंकि पता ही है पूजा वूजा करो फिर
तैयार करना, माता रानी को सारी चीजें वो करना, तो बहुत टाइम लग जाता है। आज के दिन पहला दिन है तो पूजा में बहुत टाइम लग जाता है, तो बस वही यहाँ पे जल्दीबाजी में खाना बना रही थी इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। ये फटाफट से पूड़ियाँ बना ली है और यहाँ पे बनाई है सब्जी आलू और सेम की, क्योंकि बस बनने ही वाली है। तो बस पूड़ियाँ भी मैंने सभी खट्टी बना ली, क्योंकि जब तक सब्जी बन रही थी तो मैंने यहाँ पे साइड में पूड़ियाँ भी निकाल ली है। पूड़ी सब्जी सब बन के तैयार हो गया। चलिए अब खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए सेम आलू की सब्जी के साथ पूड़ी खाने के लिए। तो खाना वाना बन गया है, स्माइली और इनको मैंने दे दिया, मैं अब खाऊंगी खाना, क्योंकि मैं नाश्ता मैं तो अभी पूजा करने के बाद फिर मैंने बनाना खाया, आधा एप्पल खा लिया, क्योंकि मेरा फास्ट तो है नहीं है इस बार, तो मैं फास्ट तो नहीं रख रही हूँ, देखो दवाई खानी होती है मुझे, तो इस वजह से मैंने नहीं रखा है इस बार नवरात्रि में। खा लेती हूँ, आज लेट भी हो गया, मैं जल्दी खा लेती थी वैसे, क्योंकि खाना भी जल्दी खा लेती, आज थोड़ा लेट खा रही हूँ तो दवाई भी लेट खानी पड़ रही है। और नवरात्रि में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि ना पूजा पाठ में थोड़ा टाइम लगता ही है, और फिर इस बार थोड़ा मैंने माता रानी की ड्रेस मतलब अच्छे से तैयार व्यार किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया, सेटिंग बनानी पड़ती है, कील ठोकी है मैंने वहाँ पे, तो मुझे बहुत कम से कम 2 घंटे पूरे लगे मुझे पूजा करने में आज बहुत। और मुझे ना ये सब चीजें करने में ना बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब मैं शुरू से ही कर मतलब देखा है मैंने, मेरे घर पे करते भी है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, खासतौर पर नवरात्रि में सजाना मंदिर में, मतलब अच्छा लगता है मुझे पूजा ये सब चीजें करना। लेकिन मैं यहाँ पे इस वजह से ज्यादा कर नहीं पाती, क्योंकि स्माइली एक तो बच्चे होते हैं ना, तो फिर अभी भी कोई भरोसा नहीं है कब जाके क्या करके आ जाए, वैसे भी वो भगवान से मतलब भगवान के मंदिर में कुछ ना कुछ करती ही रहती है, तो उसका भरोसा नहीं करती मैं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना जब स्माइली, तो मैं बहुत कुछ सोच के रखती हूँ कि मैं ऐसे डेकोरेशन करूंगी बड़े से टेबल वेबल पर, मतलब अच्छे से सजा के, मुझे बहुत शौक है ये करने का, खासतौर पर नवरात्रि में। लेकिन मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, अभी जैसा होता है वैसा कर लेती हूँ, जितना मतलब कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो उतना मैं कर लेती हूँ, बाकी देखेंगे आगे, मतलब बाकी देखूंगी आगे, स्माइली वगैरह बड़े हो जाएंगे बच्चे तब, उसके बाद फिर और अच्छे से सारी चीजें डेकोरेशन करना सजाना मतलब अच्छा लगता है। दिल्ली में तो बहुत होता है, मेरे वहाँ मायके में तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर डे कीर्तन वगैरह ये सब चीजें शुरू से मैंने देखा है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से करते हैं, तो मुझे भी इसीलिए शौक है करने का, और करना भी चाहिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है, और बच्चों को भी ना थोड़ा त्योहारों के मतलब समझ आना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना कि मतलब भागदौड़ वाली जिंदगी होगी इंसान की, सब अपने अपने जॉब में बिजी हैं, कोई किसी में कोई किसी चीज में, तो वो सारी चीजें ना धीरे धीरे कम हो रही है, बच्चों को भी त्योहारों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है आजकल, तो इसीलिए हमें अपने घर में थोड़ा बहुत करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी सीखें और वो भी उनको भी पता चले कि कौन से त्योहार में क्या होता है। अभी स्माइली बोली मम्मी पहले तो नवरात्रि में हमारे यहाँ नीचे मतलब पूजा में वो लगाया था, तो मैंने फिर उसको समझाया कि साल भर में 2 नवरात्रि आती हैं, तो जो बड़ी वाली होती हैं जो कि अक्टूबर में आती हैं उसमें ज़्यादा करते हैं, अभी ये वाली में मतलब नॉर्मल रहता है चैत्र वाली में मार्च वाली में, तो उसको आज ये चीज़ समझ आई है कि साल भर में 2 नवरात्रि होती है, और यहाँ पे गुड़ी पड़वा बोलते हैं ये नवरात्रि को, तो उसको ये भी पता चला है, स्कूल में टीचर ने भी बताया, बट हम लोगों को भी घर में ये सारी चीजें बच्चों को बताना चाहिए, त्योहारों के बारे में समझाना चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा। बहुत लेक्चर हो गया ना एक बार बोलना शुरू किया तो बस बोलती गई। फिलहाल अब खाना खा लेती हूँ, दवाई मैंने ले ली है, खाना खाने से पहले मुझे खानी होती है, आयरन की टेबलेट है, तो उसके बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से खाना खाने के बाद। मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना खड़े होके पानी मत पिया करो, बैठ के पिया करो, मैं बता दूं देखो चेयर पे बैठी हूँ मैं, चेयर दिख रही होगी थोड़ी बहुत पीछे, तो बैठ के ही पीती हूँ मैं ऑलमोस्ट, मैं कभी भी खड़े होके पानी बहुत कभी बाई चांस कभी जल्दी में होगा तो पी लेती हूँ, वरना मैं बैठ के ही पीती हूँ, मेरी आदत है, मैं नीचे जमीन पर बैठ जाऊंगी लेकिन बैठ के ही पानी पीती हूँ हमेशा की, मतलब और पीना भी चाहिए सबको बैठ के, तो
तो चलो खा लेते हैं, पेट पूजा कर ले। अब नाश्ता तो हो गया था, अब खाना खा लेते हैं। सेम आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है। फ्रेंड्स मेरा हो चुका है खाना, अभी मैं खिला रही हूँ स्माइली को। और स्माइली का खाना कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो नंदा। हाँ, मेरी गोद में लेट के खाना खाया जा रहा है, लेट के खाना खा रही है स्माइली। गंदा खाना बना, गंदा खाना बनाया। तुम्हें खाना अच्छा लगता कब है? पूड़ी और पहले बोल रही थी पूड़ी बनाओ तभी खाऊंगी, पूड़ी बना दी अब तो गंदा खाना है, सब्जी मैं खिला रही हूँ ना इसलिए। चलो तो मेरा तो हो गया, इसी को खिलाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा आज का व्लॉग, थोड़ा बहुत शेयर किया वही सुबह से अभी तक का, पूजा वूजा का, खाना पीना, बस वही सब में टाइम निकल गया है। और अभी बज चुके हैं 3 बज गए हैं फिलहाल, सब मेरे काम हो चुके हैं। स्माइली को मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ाना भी है अभी, तो वो दूसरे रूम में, मैं सोच रही हूँ एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करूँ आज ही, फिर उसके बाद उसको पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया वीडियो, दो दिन से वीडियो गया भी नहीं है, आज बनाया है पहले दिन का, तो मैं सोच रही हूँ अपलोड कर दूं आज का एडिटिंग वगैरह करके। तो बस इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, और स्पेशली आज की जो दुर्गा माता मतलब मैंने जो प्रिपरेशन करी, जो तैयार कराया है, जैसे भी करी है पूजा पाठ वगैरह, अगर आपको पसंद आई हो, मेरी माता रानी अच्छी लग रही हो, तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।